लेकिन अब ये नई बहस तिवारी जी शुरू हो गई है नाम को लेकर। पहले तो ये था कि भाई समर्थन होगा नहीं होगा, किसको जाएगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग नाम लेने शुरू कर दिए। सवाल ये उठ रहा है, कल भी आपने सवाल उठाया था कि भाई द्रौपदी मुर्मू ही क्यों, तो वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई सिर्फ यशवंत सिन्हा ही क्यों। जो नाम आप लोगों ने गिनवाए हैं वो नाम आप यूपीए को सजेस्ट करते ना कि भाई ये नाम आप भी कम से कम इन नामों पर विचार करिए। शंकर जी, आज नाम आया है, आप अपना रिले घुमा के देख लीजिए। कल ही मैंने करिया मुंडा जी का नाम लिया था। हाँ, आपने लिया था, मैंने अभी कहा आपको कि आपने लिया था नाम। मैंने लिया था। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये जो आदिवासी कार्ड, कभी मुस्लिम कार्ड, कभी दलित कार्ड, ये सब बीजेपी के आचरण में संलग्न है, उनके उनके आचरण में घुला मिला हुआ व्यक्ति है। ये मुद्दा है। कांग्रेस बड़े बड़े पदों पर आदिवासी चेहरे को, दलित चेहरे को बैठाई है, मुस्लिम चेहरे को, लेकिन कभी ये नाम नहीं लिया कि आदिवासी चेहरा, मुस्लिम चेहरा, दलित चेहरा। व्यक्ति को मेरिट में देखा, योग्यता के अनुसार पदों पर बैठाया। हम कहते हैं कि ट्रेन के ड्राइवर के पद पर, कुर्सी पर हमको बैठा दीजिए, ट्रेन एक्सीडेंट कर देंगे हम। हमारा ये निवेदन है, हमारा ये निवेदन है कि मैंने कल भी कहा था, आज उसको दोहराता हूं, आप ध्यान से सुने, कि मेरा ये नहीं कहना है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी चेहरा नहीं है और अच्छा चेहरा नहीं है, ये मेरा नहीं कहना। लेकिन मेरा ये जरूर कहना कि कांग्रेस में, बीजेपी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में और भी कई बड़े चेहरे, आदिवासी चेहरे हैं। भाजपा सिर्फ जाति का राजनीति करती है, सेंटिमेंट की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। अबरी खेला, पिछली बार जब रामनाथ कोविंद जी को बनाया तो इसने कार्ड खेला कि हमने तो दलित चेहरा, बड़ा चेहरा बनाया।